हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने तीन बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में खेती किसानी को दिया है छूट। दूसरी जानकारी है फसल ओलावृष्टि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना संदेश जारी किया है प्रदेश के किसानों के लिए। तीसरी जानकारी है सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक पंचायत को राशि जारी की है। तो चलिए देखते हैं तीनों बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। प्रदेश के बीजेपी नेता गोपाल भार्गव जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक पंचायत को 30,000 रुपये की राशि, कोरोना की रोकथाम एवं ज़रूरतमंद लोगों को भोजन एवं आश्रय की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए दी गई है। ज़रूरतमंद लोग पंचायत सचिव तथा ग्राम पंचायत से संपर्क कर इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग की 2.5% राशि सैनिटाइजर एवं मास्क इत्यादि को पंचायत को दी गई है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब 14वें वित्त आयोग की 2.5% राशि और प्रत्येक पंचायत को 30,000 रुपये राज्य शासन ने दिया है। पंचायत के कुछ महान सचिव एवं सरपंच इन पैसों से अपना खर्च निकालने का प्रयास करेंगे, इसलिए जागरूक रहें और सभी लोगों को यह जानकारी शेयर करें। जानकारी जरूर शेयर करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पंचायत में यह काम धड़ल्ले से होता है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्य शासन ने प्रत्येक पंचायत को 30,000 रुपये राशि भेजी है। आप भी किसी भी ज़रूरतमंद को पंचायत के द्वारा जरूरी तथा आवश्यक चीज़ मुहैया करा सकते हैं। अगली जानकारी है लॉकडाउन में जारी रहेंगे खेती से जुड़े सभी काम, खुलेंगी खाद बीज की दुकानें किसानों के लिए। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, आप अगर किसान हैं और लॉकडाउन में खेती से जुड़े कार्यों को लेकर संशय में हैं तो परेशान न हो। गृह मंत्रालय अर्थात भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किसानों को कई तरह की छूट दी है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है, केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े कार्यों, मशीनरी, उर्वरक, खाद बीज की दुकानों को लॉकडाउन से बाहर कर दिया है, यानी अब किसान आराम से खेत पर जा सकेंगे, ट्रैक्टर से जुताई कर सकेंगे, कंबाइन मशीन से फसल काट सकेंगे, नज़दीकी कस्बे से बीज और DAP तथा यूरिया ला सकेंगे, किसान अपनी फसल मंडी में भी ले जा सकेंगे, यानी अब लॉकडाउन से कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि किसानों से अपील भी की गई है कि वो उचित दूरी और कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में ध्यान रखें। बिल्कुल ज़रूरी बात है, गृह मंत्रालय ने अपने 24 तारीख के लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन में कई अतिरिक्त छूट दी थी। किसान और किसान संगठन इसके लिए लगातार मांग उठा रहे थे, इसलिए 27 मार्च 2020 को जारी नए आदेश में मंत्रालय ने ये छूट पूरे देश के लिए लागू की है। मोटे तौर पर यह आदेश दिया गया है, क्या आदेश है उसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं। किसान बिना रुकावट कृषि कार्य कर सकते हैं, मजदूरों को काम करने में परेशानी नहीं होगी। फसल कटाई से जुड़ी मशीनें जिसमें कंबाइन तथा रीपर आदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। वो लोग जो फसल की कटाई और सरकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद में शामिल हैं उनको भी छूट मिलेगी। सभी सरकारी मंडियां, कृषि उत्पादन मंडी समितियां या फिर वो मंडियां जिन्हें राज्य सरकारों ने मान्यता दी है वे भी खुली रहेंगी। खाद बीज और रासायनिक कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी। फार्म मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर जिनके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया था और FPO आदि के माध्यम से अनुदान मिला था वे भी अब छूट में शामिल होंगे। तो 27 मार्च 2020 को यह आदेश जारी हुआ है जिसमें होम सेक्रेटरी के साइन है। केंद्र के आदेश के पहले ही कई राज्य सरकारों ने एहतियात के कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों ने, जिला प्रशासन ने फसल कटाई, मंडी, खाद बीज, कीटनाशक, राशन मंडी तक सामान ले जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारों ने भी कहा कि किसानों को खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेतों में अभी फसल लगी है, अगर किसान उन फसलों को नहीं काटेंगे तो फसल खेत में ही बर्बाद हो जाएगी। किसानों की भी जिम्मेदारी है कि इस छूट में हमको थोड़ा संयम बरतना होगा। क्या क्या संयम बरतना होगा? पहला संयम है गाँव हो या खेत, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब उचित दूरी बहुत ज़रूरी है, मतलब 1 मीटर की न्यूनतम दूरी एक दूसरे के बीच में बहुत ज़रूरी है। खेत में एक से ज़्यादा मजदूरों को न लगाइए, कोई मजदूर या आप खुद एक ही बोतल से पानी न पिए, खेत में बाल्टी और साबुन रखिए और हाथ धुलते रहिए।
फसल काटे तो सुखा कर रखें, जल्द बेचने की कोशिश ना करें, औने पौने दाम मिलेंगे आपको, इससे आपको नुकसान होगा। अपने जिले के जिला कृषि उपनिदेशक, डीएम और एसपी का नंबर अपने पास रखें, लेकिन जरूरत के अनुसार ही उनसे बात करें। कृषि विकास अधिकारी का भी आप अपने पास नंबर रख सकते हैं, पटवारी का भी आप अपने पास नंबर रख सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। इस प्रकार से केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2020 को यह आदेश जारी किया है किसानों के हित में। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने अपने वीडियो में जानकारी दी है, तो चलिए देखते हैं उनका वीडियो। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना के संकट से आज सारी दुनिया जूझ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन कई जिलों में बारिश की दोहरी मार पड़ी है, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। कोरोना के कारण, कुछ सावधानियां रखने के कारण मैं तुरंत आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि पहले इस जंग को हमें जीतना है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, संकट की इस घड़ी में आपकी हर संभव मदद की जाएगी, चिंता मत कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से जानकारी थी, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।